असीफा बेटा क्या कर रही हो? अभी तक पढ़ाई में लगी हुई है, चल कपड़े धो। अम्मी मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे स्कूल भी तो जाना है। मैं पढ़ लिख कर सोशल एक्टिविस्ट बनूंगी और लोगों की मदद भी करूंगी। पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़कियों को पढ़ा के कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि आजकल के दौर में लड़कियों को जितना ही पढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा जहेज देकर शादी कराना पड़ता है। तुम दूसरों के घर की अमानत हो, तुम्हें पहले घर का काम करना पड़ेगा, बाहर जाने नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, फुर्सत मिलेगा तो पढ़ लेना। घर में कोई है? हाँ हाँ आ रही हूँ, क्या काम है? दिल्ली से आपके लिए तार आया है, इसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर क्या चीज होता है? ओ मैडम अनपढ़ हो क्या? आपके पेरेंट्स आपको बचपन में कभी पढ़ाया नहीं? हाँ अंगूठा लगा दो। ठीक है ठीक है। हाय हाय अल्लाह, इसमें क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ने को नहीं आता, अब बाहर चलकर किसी को पढ़ने के लिए कहते हैं। अरे बहन जी जरा सुनिए। हाँ हमको बुलाया। हाँ आपको बुलाया। हाँ जरूर बताइए। आप जरा पढ़ के बता सकती है कि इसमें क्या लिखा है? हाँ जरूर, हमने तो बीए की है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है अरे बहन जी इसमें अक्षर तो बहुत छोटा छोटा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा ऐसा है। हाँ लीजिए मैं चश्मा लेकर आती हूँ। हाँ हाँ लेकर आइए। कितनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं, चश्मा लेने गई या मोतिया उतारने गई? अब किसी और से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। अरे बहन जी जरा सुनिए। हाँ जी भाभी हमको बुलाया। हाँ आपको बुलाया। क्या काम है? मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ जी बोलिए, हम अपने काम में काम रखते हैं, आपका भी काम आएंगे। क्या आप पढ़ कर बता सकती हैं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ जी लाए लाए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, लीजिए लीजिए मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, बोलते दो कि मेरा फोन आ रहा है। एक तो चश्मा लेने गई और दूसरा फोन उठाने गई, अब किसी और से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। अरे भाभी जी आप? हाँ भाभी जी आप तो आजकल दिखती ही नहीं हो, पता नहीं आप आजकल कहाँ रहती है, आप तो ईद का चांद बन गई है। हाँ मुझे घर में थोड़ा सा काम रहता है इसीलिए। ओ अच्छा, आइए भाभी जी आपको चीनी देते हैं। जी भाभी जी मुझे चीनी दीजिए। और भाभी जी कैसी हो? ये जब आती है तो कुछ ना कुछ जरूर मांगती है, लगता है कितने दिन से नहीं खाई है। आप कुछ बोले हैं भाभी जी? कुछ नहीं ऐसे ही। मैं ठीक हूँ भाभी जी, आप कैसे हैं? क्या आप पढ़ कर बता सकती हैं कि इसमें क्या लिखा है? आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हैं और हद से ज़्यादा बोलती हो। आपने सही पकड़ी है, मैं बीए फेल और एमए पास हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको समझ में आया? नहीं, इसमें अंग्रेजी में लिखा है, मुझे देख के लगता है कि इसमें बहुत बुरी खबर है। लीजिए भाभी जी मुझे चीनी दीजिए, मैं बाद में पढ़ूंगी। हाय अल्लाह, इसमें बहुत बुरी खबर है, अब कल पोस्टमैन आएंगे, वही बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। अम्मी अम्मी मैं आ गई हूँ। तू कब आई? अम्मी मैं आपकी आवाज़ सुन के आ गई हूँ। अच्छा मैं ध्यान नहीं देना इसीलिए। क्यों क्या हुआ अम्मी? अरे बेटी देखो तो जरा इसमें क्या लिखा है, अभी तक कोई पढ़ नहीं पाई है। अच्छा ऐसा है अम्मी, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। क्या? हाँ बेटी वो पड़ोस वाले आंटी कह रही थी इसमें बहुत बुरी खबर है। हाँ हाँ बुरी खबर बुरी खबर। हाय रे मेरी कमर। दादी जी आप रोइए नहीं, आपकी उम्र हो गई है, अभी तो मैं पूरी हट्टा कट्टा जवान हूँ, कहाँ से बूढ़ी हो गई? बेटी तू जरा पढ़ के बता कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है लालच। हाँ लालच लालच। हाय अल्लाह ये लोग कैसी है?
अम्मी छोड़िए, इसमें लिखा है नाना जी की तरफ से आए और ना। हाँ वही 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 वही। अम्मी मैं बात नहीं करूंगी। क्या? मैं आऊं? आप लोगों का घर में कोई काम नहीं है, दूसरों के घर में झांकने आ जाते हैं। जी हम लोग बिन बुलाए आपके घर में मेहमान आ गए, क्या आप लोग हम लोगों का वेलकम नहीं करेंगे? हम तो क्या, हमारे घर के जानवर भी तो आप लोग के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा अनपढ़ दिख रही हो। इसमें लिखा है नाना जी की तरफ से आए और खूब खूब आशीर्वाद देंगे। हाँ यू आर राइट, हम लोग पढ़े लोग अनपढ़ है। मैं अनपढ़ बीए हूँ, ये अनपढ़ सीए है, और ये अनपढ़ डीए है, और ये अनपढ़ एमए है। क्या बहन जी, ये सब अनपढ़ का डिग्रियां है, हम लोग जा रहे हैं। बेटी मैं वादा करती हूँ, जहाँ तक तुम पढ़ेगी वहाँ तक मैं पढ़ाऊंगी, और तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चा मैं दूंगी। तो देखे हैं आप लोगों ने एक अनपढ़ औरत होने पर उसे क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी चाहिए कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि आगे चलकर एक अच्छा एक समझदार इंसान बन सके। एजुकेशन इज मोस्ट एंड मोस्ट नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बींग। बेटा